हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे एयरलाइन इंडस्ट्री की जॉब्स के बारे में और उनके रिस्पेक्टिव जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी। माई सेल्फ अंजलि तोमर, HR मैनेजर at Air Cruze Aviation Private Limited. Airlines typically ऐसे workers को require करती है जिनके पास डाइवर्स पोजीशंस अवेलेबल हो। सो ये बहुत लाइकली है कि आप इस फील्ड में कई तरह की जॉब पा सकते हैं क्योंकि इसमें वाइड वैरायटी की जॉब्स होती हैं और एयरलाइंस की हायरिंग प्रोसेस और जॉब रिक्वायरमेंट्स भी डिफर करती हैं। Meeting the requirements. पहला है getting the proper education. एयरलाइंस में कई तरह की जॉब्स होती हैं और इन सब जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स कुछ बेसिक एजुकेशन और ट्रेनिंग होती है, जैसे कि फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जॉब, टेक्नीशियंस की जॉब और पायलट्स की जॉब। सेकेंड है मीटिंग द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। कुछ एयरलाइंस में फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। ये इसे इंश्योर करती हैं कि प्लेन्स को सेफली ऑपरेट किया जा सके। पहला है विजन रिक्वायरमेंट्स। पायलट्स, फ्लाइट अटेंडेंट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को 20x20 विजन होना चाहिए। हाइट और वेट रिक्वायरमेंट्स भी हो सकते हैं कुछ एयरलाइंस के लिए, जिसमें कि टिपिकली हाइट रिक्वायरमेंट 5 फीट to 60 फीट होता है। स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स। फ्लाइट अटेंडेंट्स को बैग्स या फिर लिफ्ट करने हो सकते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। कुछ एयरलाइंस की पोजीशन में लैंग्वेज भी रिक्वायर्ड होती है ताकि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंटली बोलते और रीड करते आए। सिटीजनशिप। सारी एयरलाइंस यूएस में ये इंश्योर करना चाहती हैं कि आपके पास कोई प्रूफ हो जिससे आप उन्हें ये इंश्योर कर सके कि आप यूएस में वर्क करने के काबिल हैं। मेडिकल रिक्वायरमेंट्स। ज़्यादातर एयरलाइंस डिमांड करती हैं एक मेडिकल टेस्ट एग्ज़ाम पास करना, जो कि ये मेक श्योर कर सके कि आप हेल्दी इनफ हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। पायलट्स टिपिकली हर 6 महीने में एग्जामिन किए जाते हैं थ्रू अ मेडिकल टेस्ट, ताकि ये पता चल सके कि वो प्लेन को ऑपरेट करने के कैपेबल हैं या नहीं। एज रिक्वायरमेंट्स। ज़्यादातर एयरलाइंस रिक्वायर करती हैं कि आप एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड हो। अगर आपकी जॉब FAA अकेडमी को रिक्वायर करती है तो आपको उसमें एनरोल कर लेना चाहिए बिफोर यू टर्न 31। पास अ सिक्योरिटी टेस्ट। ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स की तरह एयरलाइंस भी कंडक्ट करती हैं एक बैकग्राउंड चेक एप्लीकेंट्स पर। ये नॉर्मल बैकग्राउंड चेक से काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है। ब्राउज जॉब पोस्टिंग्स फॉर एयरलाइन जॉब्स। आपको कई तरह की एयरलाइन जॉब्स इजीली लोकेट हो जाएंगी इंटरनेट पर। इंटरनेट पर कई तरह की एयरलाइन जॉब्स के बारे में डिटेल्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी एक पर्टिकुलर एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एयरलाइंस की वेबसाइट पर विजिट करके। उसके होम पेज पर आप जॉब, एम्प्लॉयमेंट, करियर या फिर अपॉर्चुनिटीज के टैब पर ये सारी जानकारी इजीली पा सकते हैं। कॉन्टैक्ट एयरलाइंस डायरेक्टली। अगर आप फिर भी जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं या फिर आपको उस एयरलाइन की वेबसाइट पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो आप उस एयरलाइंस को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उसे कॉल भी कर सकते हैं या फिर उसके एचआरडी डिपार्टमेंट में ईमेल भी कर सकते हैं। आप अपने रिज्यूमे और कवर लेटर साथ में रखिए। जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिज्यूमे और कवर लेटर रिक्वायर्ड होगा। इन्हें में कई तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना होगा फॉर द जॉब्स इन एयरलाइंस। कुछ चीजें हैं जिन पे आपको एम्फसाइज करना होगा। अगर आप किसी टेक्निकल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने ओन एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा अच्छे से लिखिए, जिनसे आपकी इलेक्ट्रिकल या फिर इंजीनियरिंग स्किल्स सामने आए। हमेशा जॉब एड्स को केयरफुली रीड कीजिए, उनके रिक्वायरमेंट्स को रीड कीजिए और वही स्किल्स लिखिए जो कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायर्ड हो। इंटरव्यू के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर कीजिए। अपने आप को इंटरव्यू के दौरान प्रॉपर्ली कंडक्ट कीजिए। आप चाहे किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको प्रोफेशनल और पोलाइट बिहेवियर हमेशा रखना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। कई पोजीशंस होती हैं जैसे कि पायलट, टेक्नीशियन या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो कि लोगों की सेफ्टी के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इंटरव्यूअर्स ये ज़रूर चाहेंगे कि वो ऐसे लोगों को हायर कर सकें जो कि अपने जॉब के लिए कॉम्पिटेंट और सीरियस हों। आप हमेशा अप्रोप्रिएटली ड्रेस कीजिए, जो कि आपके जॉब पर डिपेंड करेगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। एयरलाइंस इंडस्ट्री में कौन कौन सी जॉब होती हैं? फर्स्ट, फ्लाइट अटेंडेंट जॉब्स। सेकंड, एयरलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। थर्ड, ऑपरेशंस एजेंट। फोर्थ, एवियोनिक्स टेक्नीशियंस। फिफ्थ, रीजनल सेल्स मैनेजर। सिक्स, फ्लाइट डिस्पैचर। सेवन, ग्राउंड या फिर एयरपोर्ट स्टेशन अटेंडेंट। एट, एविएशन मेट्रोलॉजिस्ट। नाइन्थ, पैसेंजर सर्विस एजेंट। टेंथ, रैम्प प्लानर। इलेवेंथ, रिजर्वेशन सेल्स एजेंट। ट्वेल्थ, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। 13, क्रू स्केड्यूल कोऑर्डिनेटर। 14, एयरलाइन स्टेशन एजेंट। 15, एयरलाइन टिकट एजेंट एंड 16, एयरलाइन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। And lastly, aviation attorney. Pilot's Career Guide is an amazing book written by Captain Shekhar Gupta. This book is available on Amazon. Thank you.